पार्ट टू में देखिए बच्चों हमें ये कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जैसे कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टोकन करेंसी का इश्यू करना राची एंड एक्सपेडिशन देन फिरोशा तुगलक जो है किस तरीके से गद्दी व्यवस्था सत्ता में आता है पावर में आता है इन पॉइंट्स को जो है हमें डिस्कस करना है जो कि आपके पीटी एज वेल एज मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को व्हाट वर द मोहम्मद बिन तुगलक्स एक्सपेरिमेंट और ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को ही जो है हम जोना खान भी कहते हैं स्पेशली देखिए इस फॉर्म में आ, आ, सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन जो है आपके कह सकते हैं आ, मेंस के एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पूछता है तो देखिए मेंस में पूछेगा अगर क्वेश्चन आप या फिर हिस्ट्री ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ सीधे पूछेगा व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक सो देखिए जितनी आपको याद पांच है वो आपको याद होनी चाहिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड टोकन करेंसी और जो रिमेनिंग है अभी हम डिस्कस करते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा पूछता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से जो क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से जो है अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट की गई थी तो ध्यान रखिएगा दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी जो है शिफ्ट की गई थी अब इस देवगिरी को जो है आगे चल के जो है दौलताबाद उसका नाम जो है

हमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा रूलर देखने को मिलेगा जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे आप कह सकते हैं नई नई पॉलिसीज़ जो लेकर के आया था इवन दो वो पॉलिसीज तो अच्छी लेकर के आता था बट बिकॉज ऑफ़ सम रीज़न आप कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत अच्छी नहीं थी कि जो भी वो पॉलिसी लेकर के आता था वो सभी की सभी पॉलिसी जो है फेल हो जाती थी किन्हीं वजह से एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एग्रीकल्चर में भी जो है इसने uh, इसका इंटरेस्ट था देन मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल स्टेप जो रहा है अब देखिए इस पॉइंट से अगर पीटी की आप बात करते हैं तो पीटी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से दिल्ली से राजधानी कहाँ शिफ्ट की गई थी तो दिल्ली से राजधानी जो है देवगिरी शिफ्ट की गई थी इस, इस देवगिरी को जो है आगे चल करके दौलताबाद जो है नाम इसका चेंज कर दिया गया तो लिखा तो आपको आपसे पूछेगा कि जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स दौलताबादिरी so uh, uh, जिसे हम बाद में दौलताबाद भी कहते हैं इट वॉज अंट्रोवर्शियल स्टेप ड्यूरिंग दोहम्मद बिन तुगलक पीरियड और अब देखिए अब यहाँ पे इसने जो राजधानी शिफ्ट करने की बात की थी दिल्ली से देवगिरी यहाँ आप इस सभी लोगों पूरी की पूरी जनता को जो शिफ्ट करने की बात नहीं कही गई थी जो शेख जो अपर क्लास के लोग थे ओनली द अपर क्लासेज और जो शेख थे जो नोबल्स थे जो उलेमा थे उन्हीं को जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा परमिशन दी गई कि ये लोग जो है दौलताबाद शिफ्ट होंगे बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है

शिफ्ट तो करवा दिया बट बिकॉज ऑफ सम रीजन और वहां पे जो है कुछ डिसकंटेंट जो है ग्रो हो गया बिकॉज ऑफ ड्यू टू द द ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल टेरिटरीज फ्रॉम द साउथ अब क्योंकि ये देवगिरी है वो साउथ में पड़ रहा था अब साउथ से जो है नदन टेरिटरीज को कंट्रोल करना मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जो है पॉसिबल नहीं हो रहा था इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से क्या किया कि अपनी राजधानी को दोबारा शिफ्ट कर दिया दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू एब दौलताबाद एज द कैपिटल दौलताबाद को जो है उसने जो है एज कैपिटल जो है खत्म कर दिया फिर से जो है दिल्ली शिफ्ट कर दिया तो देखिए एक आप आप लोगों से पूछेगा कि कहा दिल्ली से जो है राजधानी कहाँ शिफ्ट की गई थी आपने देखा दौलताबाद या फिर आप कह सकते हैं देवगिरी जो है शिफ्ट की गई देन उसके बाद आपसे पूछता है कि बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड दैट कि साउथ से जो है नॉर्थ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोबारा जो है देवगिरी से राजधानी कहा शिफ्ट की गई तो वहां से जो है दोबारा दिल्ली ही राजधानी शिफ्ट कर दी गई उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंचुअली ड्यू टू देखिए ये पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ा सा रिपीट हो गया एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग अब आप लोगों को पता चल गया कि साउथ क्यों क्यों उसने जो है देवगिरी या फिर दौलताबाद से दोबारा अपनी राजधानी को जो है दिल्ली शिफ्ट कर लिया था क्योंकि जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए साउथ से नदन टेरिटरीज को जो है कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था एंड कुछ जो है आप कह सकते हैं अनरेस्ट भी जो है वह राइज हो गया था उसकी वजह से भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दोबारा दिल्ली शिफ्ट कर दिया अब जो ये शिफ्ट हुआ राजधानी दिल्ली से दौलताबाद दौलताबाद से दोबारा दिल्ली इसकी वजह से जो पहले कम्युनिकेशन गैप था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इट बीन ब्रिंगिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया क्लोजर टुगेदर बाय इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने देखा था कि जो नोबल्स थे यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था कि शेख नोबल्स अन उमा इनको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कहा था कि आप जो है चलेंगे हमारे साथ दिल्ली से दौलताबाद तो यही लोग जो है जब दौलताबाद से या फिर आप कह सकते हैं देवगिरी से दोबारा जब दिल्ली जाते हैं तो इनके द्वारा क्या आपको देखने को मेनी पीपल इंक्लूडिंग रिलीजियस डिज गौल्ताबाद ये लोग जो है देखिए वहां पर जो सेटल हुए दे बिकेम द मीस ऑफ स्प्रेडिंग इन द दिन द कल्चरल रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज विच ब्रॉट टू विद टू द दॉन अब देखिए ये जो लो, लोग गए थे उलेमा शेख सुनोब उनमें से कुछ वहीं दौलताबाद में ही सेटल हो गए उसके बाद देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने जो है डेकन में जो कल्चरल रिलीजियस और सोशल आइडियाज थे उसको स्प्रेड का स्प्रेड किया ये जो आइडियाज हैं जो तुर्क के द्वारा नॉर्थ इंडिया में लेकर के आया गया था अब वो डेकन में भी आपको देखने को मिलेगा दिस रिजल्टेड इन अ न्यू प्रोसेस ऑफ द कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एज वेल एज इन द साउथ इंडिया तो सेल्फ आप, तो आप आपको यहाँ पे देखने को आसानी से मिल रहा जब दिल्ली से दौलताबाद दैन दौलताबाद से दिल्ली और फिर हम लोगों को हम लोगों ने देखा कि जो कुछ नोवल्स थे कुछ रिलीजियस डिवाइंस थे जो जो कि दौलताबाद में सेटल हो गए थे उन्होंने जो है डेकन में कल्चर रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज़ को स्प्रेड किया अब यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटरेक्शन था कल्चरल इंटरेक्शन था नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में ये जो है एक अलग दिशा में पहुंच जाता है मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है स्प्रेड हो जाता है नॉर्थ नॉर्थ से जो है, में, जो इंडिया इंडिया में साउथ कुछ कल्चरल इंटरेक्शन कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे स्प्रेड होते साउथ इंडिया में जो है नॉर्थ इंडिया के कुछ कल्चरल रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज स्प्रेड होते हुए आपको देखने को मिलेंगे उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी देन टोकन करेंसी की बात करते हैं ये भी जो है आप कह सकते हैं जहाँ अभी हम लोगों ने देखा कि कि uh, जो uh, Then, जो ट्रांसफर ऑफ ऑफ कैपिटल था था इट वन द कंट्रोवर्शियल इशू इशू देन टोकन करेंसी किया गया यानी कि इसे हिंदी में हम सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं ये भी जो है एक प्रकार का बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है देखिए जो टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक लेकर के आया था तो अच्छी कह सकते हैं अच्छे इंटेंशन से बट अ, लोग जो है जो जनता थे कुछ फेक जो कुछ लोग थे उसमें फेक करेंसी जो है पेमेंट करने लगते हैं जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को इस टोकन करेंसी को जो है वापस लेना पड़ता है चलिए अब हम देखते हैं क्या चीजें लिखी हुई हैं देखिए चीजें मैं आपको समझा रही हूँ और ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है जब आप लोग डिमांड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा

सुल्तान के समय उस समय जो है सुल्तान की जो ट्रेजरी थी वो जो है खाली होने लगी तो मजबूरन जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है एक टोकन करेंसी जो है इशू करना पड़ा बिकॉज द ट्रेजरी वॉज एम टू सुल्तान स्कीम ऑफ दन सब देखिए सुल्तान का जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो ट्रेजरी था वो ऐसे ही नहीं खाली होगा क्योंकि सुल्तान की जो एक uh, कह सकते हैं उसको जो है फॉर टेरेटरीज uh, uh, को कंकेस्ट करने का बहुत ज़्यादा जो है वो, वो जो है फॉरन टेरिटरीज को कंकेस्ट करता था इस वजह से जो है्यूज आर्मी आर्मी में जो है इसकी ट्रेजरी बेसिकली खत्म हो जाती थी एज वेल एज हिज बाउंडलेस जनरेसिटी अब देखिए अब उस समय जब हम चौधी, चौधी हम शताब्दी की बात कर रहे हैं जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक आप, को को आप, आप कह सकते बात है कि इंडिया में भी जो है सिल्वर की क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी इन्हीं कारणों की वजह से जो है सुल्तान जो है टोकन करेंसी जिसमें जो है उसमें कॉपर करेंसी को इशू कर रहा था सुल्तान Issue the copper, copper जो, बिन तुगलक जो है, है इशू कर रहा था क्यों क्यों इशू किया इसने जो है कॉपर कॉइन्स को क्योंकि चौदहवीं शताब्दी में सिल्वर का जो है शॉर्टेज आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इंडिया में भी जो है क्राइसिस आपको क्राइसिस हो गया था ही इंट्रोड्यूस अब देखिए यहाँ से जो है दो पॉइंट्स बता देने जी, में पूछता है और टंका से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इसने क्या किया दो तरीके के को किया, एक कॉपर क्वाइन को दूसरा जो है इस कॉपर क्वाइन को तुगलक जो है हम जीतल कहते हैं और सिल्वर क्वाइन कह रहे हम सिल्वर क्वाइन को बच्चों हम टंका कहते ध्यान रखिएगा सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है की जीतल और टंका किसके द्वारा इशू किया गया था तो जितल और टंका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इशू किया गया था या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जितल जो है किस का कौन सा कॉइन था कॉपर कॉइन था सिल्वर कॉइन था और आप कह सकते हैं मिक्स कॉइन था और नन ऑफ द अब, अब तो ध्यान रखिएगा आप लोग जितल जो है कॉपर कॉइन था वहीं टंका पूछता है कि किस प्रकार का कॉइन था तो टंका जो है सिल्वर कॉइन था

Uh, sorry, uh, uh instead of the uh, just wait for a few seconds he introduced a copper one instead of a uh, silver coin just इसने जो है कॉपर क्वाइन को इशू किया था इंस्टेट ऑफ द दिल्वर क्वाइन सिल्वर क्वाइन को जो है टंका कहा जाता था और उस कॉपर क्वाइन को जो है जितल कहा जाता था जो कॉपर क्वाइन इशू किया जा रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि जो ये कॉपर क्वाइन है उसको उसकी जो वैल्यू है इक्विवेलेंट किसके बराबर कर दी गई टंका के बराबर जो है कर दी गई यानी कि जो है आप जो ये कॉपर की क्वाइन है उसके बदले में सिल्वर की क्वाइन जो है एक्सचेंज कर सकते थे हाउर द आइडिया ऑफ द टोकन करेंसी वॉज न्यू इन इंडिया अब ये जो है आइडिया जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक जो ये नया कॉन्सेप्ट कॉमन पीपल टू एक्सेप्ट चीजें आप लोग को क्लियर हो गई कि कॉपर पॉइंट जो है जिसे हम जीतल कह रहे थे ये जो है फॉर्म ऑफ टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इशू किया गया था इंस्टेड ऑफ द सिल्वर क्वाइन जिसे हम टंका कहते हैं स्टेट ऑल्सो डिट टेको जनता में जो कुछ लोग थे उन लोगों ने जो है फेक करेंसी को जो है मिंट करना शुरू कर दिया अब उस फेक करेंसी को जब वो मिंट करना शुरू करते हैं तो जो पब्लिक थे उस समय पब्लिक जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक के के द्वारा जो कॉपर कॉइन इशू किया जा रहा था उसमें जो है और जो फेक करेंसी था उसमें जो है डिफ्रेंशियट करने में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से जो है नया जो कॉइन है जो मिंट किया जाता तो आप कह सकते हैं जो फेक करेंसी जो मिंट की जा रही थी वो जो है मार्केट में आ गई इसकी वजह से जो है और आ, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑर्डर दे दिया था कि इस कॉपर कॉइन की कॉइन को जो है कॉइन को जो है इक्वैलेंट किया गया किसके बराबर टंका के बराबर यानी कि सिल्वर कौपर, कौपर सिल्वर सिल्वर के बराबर उसका ऊपर कॉपर को 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 आप ले ले सकते थे यही जो 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 फेक करेंसी थी उसको दिया गया गया था सरकारी खजाने में जो है वहां से से एक्सचेंज कर लिया गया। अब इन्हीं सब कारणों की वजह मोहम्मद बिन तुगलक द एंड करेंसी को मार्केट अकॉर्डिंग टू बर्नी पीपल बिगन टू मिट टोकन करेंसी इन देअर हाउस ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि फेक करेंसी जो है प्रिंट होना मिट्ट होना शुरू हो गई कॉमन uh, जो आम जनता थी वो जो है डिस्टिंगश ही नहीं कर पा रही थी कि जो कॉपन कॉपर uh, uh, जो कॉपर करेंसी जो है आप कह सकते हैं uh, uh, फेक जो कॉपर करेंसी और uh, जो रॉयल ट्रेजरी के द्वारा जो इशू किया जा रहा है उसमें जो है डिफरें डिफरेंस क्या है अंदोज विच वो दस सुल्तान वॉज फोर्ड टू विद्रॉ द टोकन करेंसी तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी मीन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे मैटर्स आपके सामने आ गए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दें क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है नेक्स्ट हम देखते हैं ये भी एक प्रकार का जो है एक्सपेरिमेंट था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कि अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल होता है

Army. me

किसान पॉपुलर रूल अब देखिए वहां पे जो खुराशन में क्योंकि वहां पे आ, वहां पे जो कह सकते हैं आप अनरेस्ट था इस वजह से भी जो है ये जो खुराशन एक्सपेडिशन जो खुराशन और इराक को कनकर करने का जो आइडिया था आप कह सकते हैं जो विजन था मोहम्मद बिन तुगलक का वो फेल हो जाता है नेक्स्ट हम बच्चों देखते हैं कराचिल कराचिल एक्सपेडिशन को दिस एक्सपेडिशन वॉज लॉन्च इन दिमालयन

कुमायूं गढ़वाल रीजन अंडर द द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत देन द फर्स्ट अटैक देखिए स्टार्टिंग तो जो अटैक किया गया uh, uh, कुमायूं कुमायूं uh, जो एक्सपेडिशन किया गया वो तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो अटैक किया गया वो सक्सेसफुल था बट उसके बाद जो है ये जो इन्वेडर्स थे क्योंकि वहां पर रेनी सीजन शुरू हो चुका था उस रेनी सीजन की वजह से जो ये इन्वेडर्स थे इनको जो है सफर करना पड़ता है और ये जो कराची एक्सपेडिशन था मोहम्मद बिन तुगलक का ये भी जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ बातें रह गई थी जिन्हें हमें बताना था आप लोगों को हाउ डिड फिरोज शाह तुगलक राइज टू पावर कैसे जो है फिरोज शाह तुगलक जो है गद्दी पे सल्तनत में आता है या फिर जो है गद्दी पे बैठता है अब देखिए पहले तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक आफ्टर दैट जो है आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक ये सीक्वेंस आप लोग जरूर याद पर्टिकुलरली इन द साउथ इंडिया दिस अपराइजिंग्स व ऑर्गेनाइज बाय द लोकल सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन आर्मी अब देख सकती है आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो आप कह सकते थे वो रिपीटेड रिबेलियंस रिबेलियंस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्पेशली जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं अब ये जो अपराइजिंग्स थी वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही थी बाय द लोकल गवर्नर्स एंड ये जो अपराइजिंग या फिर जो रिबेलियंस हो जो रिबेल हो रहा था इसकी वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी थी उस पर जो है आपको निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है और दूसरा पॉइंट यह होता है कि क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है प्लेग फैल जाता है अब उस प्लेग की वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी थी उसके जो है टू बाई थर्ड आर्मी जो है आपको देखने को मिलेगा उस टू बाई थर्ड आर्मी जो है उनकी जो डेथ हो जाती है मीन्स वन बाई थ्री ही आर्मी रह जाती है तो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो फोर्स था जो आर्मी इसने स्टैंड की थी वो जो है कमजोर पड़ जाती है बिन तुगलक, तो हरियर और बुक्का के द्वारा जिन्होंने देखिए विजयनगर एम्पायर के बारे में जो लिखा हुआ है इस विजयनगर एम्पायर से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो इस विजयनगर एम्पायर के बारे में सॉरी एंड बहमानी एम्पायर के बारे में हमें एक लेक्चर लेना है तो लिखा हुआ है कि जब साउथ इंडिया से मोहम्मद बिन तुगलक वापस आता है तो एक और रिबल रिबल जो शुरू हो जाता है हरियर और बुक्का के द्वारा जिन्होंने जो है आगे चल कर विजयनगर एम्पायर को इस्टबलिश किया था फाइल फॉरन नोबल्स डॉम द बहमनी एम्पायर जो और ये देखिए जो फॉरन नोबल्स थे डक्न में उन्होंने क्या किया उन्होंने बहमनी बहमनी एम्पायर को जो है इस्टाब्लिश करता तो ये बहमनी एम्पायर जो विजयनगर एम्पायर आपको देखने को मिल रहा इसको जो है हमें एक टॉपिक में कवर करना अलग अलग से लेक्चर में देन कुछ और बातें हैं फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो जो कारण थे जिनकी वजह से फिरोज तुगलक गद्दी पे बैठता ये यही कारण थे देन बंगाल बंगाल भी जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है ऑल द मोहम्मद बिन तुगलक मैनेज टू सप्रेस द रिबल्स इन अवध गुजरात एंड सिंध ही अल्टीमेटली डाइड इन द सिंध एंड वॉज सक्सेड बाय हिज कजन फिरोज तुगलक अब देखिए बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो जाता है जो रिबल्स हो रहे थे अवध में गुजरात में सिंध में उसको मोहम्मद बिन तुगलक सप्रेस तो कर देता है बट आपको देखने को मिलेगा कि जो है सिंध में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी मृत्यु के बाद जो फिरोशाह तुगलक गद्दी पे बैठता है सिंस मोहम्मद बिन तुगलक पॉलिसी क्रिएटेड डिसकंटेंट इमंग द नोबल्स आर्मी इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम थियोलॉज एंड सूफी से सेंस अब देखिए उस क्यों गद्दी पे जो है फरोशाह तुगलक गद्दी पे बैठ जाता है अब आप लोग को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज थी जो टोकन करेंसी इशू हुआ जो आपके कैसे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हुआ आप लोग को मैंने बताया था कि दोएब रीजन में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है टैक्सेस को इंक्रीज कर देते है जिसकी वजह से जो जनता थी वो जो फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट एरिया की तरफ शिफ्ट हो जाती है क्योंकि उसे उन्हें जो है हाई टैक्स नहीं पे करना था क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे तो वो पे कहाँ से करेंगे अब क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज की वजह से जो नोबल्स थे जो आर्मी थे जो इन्फ्लेंशे मुस्लिम मुस्लिम थियोलॉजी थे जो सूफी सीन्स थे उनमें जो डिसकंटेंट डिसकंटेंट क्रिएट हो जाता है इन ये सभी कारण रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है गद्दी पे फरोशाह तुगलक ही गद्दी पे बैठता असेंडिंग द पावर फिरोशाह तुगलक फेस द चैलेंजेस अब देखिए जो डिसकंटेंट जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शुरू हुआ था उन कुछ प्रॉब्लम्स को जो है फिरोशाह तुगलक को भी फेस करना पड़ता है जब वो गद्दी पे बैठता है ये परसूड पॉलिसी

To South India and बैठता है तो वो जो है, वो कोई भी कोशिश नहीं करता कि इंडिया को डकन को जो है कंट्रोल करने के लिए अब देखिये तुगलंग डाइन का जो लास्ट रूलर रहता है क्वेश्चन पूछा की लास्ट रूलर ऑफ दुगलंगी नसरुद्दीन 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 मोहम्मद शाह

वो बहुत थ्री फेमस रूलरस और तुगलक डाइनसी वो तीन फेमस रूलरस कौन कौन से है तुगलक डायस्टी के आईडिये वो थ्री इंपॉर्टेंट तुगलक डायनस्टी रूलर ग्याजुद्दीन तुगलक जिन्हें हम गाजी मलिक के नाम से जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जिसे हम जो है जौना खान के नाम से जानते थे फिरोज शाह तुगलक ये तीनों याद रखेगा ग्याजुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक एंड फरोज शाह तुगलक बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल रिचा यूपीएससी क्लासेस नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कवर करेंगे मैं कोशिश करूंगी कि जो है साइंस के सब्जेक्ट को कवर कराने की थैंक यू सो मच